हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। क्या है? 3x-1 upon x-1, x-2, x-3। पहले हमने दो वाला डिस्कस किया था जिसके डिनोमिनेटर में केवल x-1 और x-2 था, इसमें तीन है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। क्या करना है? 3x-1 upon x-1, x-2, x-3। तो इसको लिखेंगे a upon x-1 plus b upon x-2 plus c upon x-3। जितने भी हैं उस तरह से आपने लिख देना, लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर x-4 भी होता तो d upon x-4 लिख देते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3x-1 upon x-1, x-2, x-3। तो यहां पर एलसीएम आ गया आपका x-1, x-2, x-3। इससे करेंगे तो यह आ जाएगा a x-2, x-3, b x-1, x-3, c x-1, x-2। ठीक है, c क्या हो गया हमारा x-1, x-2। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 3x-1 a x-2 x-3 plus b x-1 x-3 plus c x-1 x-2। अब अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, a और b c तीनों की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं a की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो a की वैल्यू के लिए आप देखिए b और c जीरो होने चाहिए, और b और c कब जीरो होंगे? जब इसमें से x जो कॉमन है उसको हम जीरो कर दें। तो इसमें जो कॉमन है वो x-1 है, तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, पुट x=1। तो 1 करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा, 3 1 3-1 यानी कि 2, और यहां पर 1-2-1 और 1-3-2, -1 -2 मल्टीप्लाई होंगे 2a, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही b निकालने के लिए कॉमन क्या है, x-2, तो पुट x=2। तो 2 करेंगे तो 2 3 6-1 5 आ गया यहां पर, तो और यहां पर आप 2 0 हो जाएगा। यहां से देखिए 2-1 1 और 2-3-1, तो -b आ गया, तो b आ गया हमारा -5। c के लिए a और b में जो कॉमन है यानी 3 कॉमन है, तो पुट x=3, तो 9-1 8 आ गया, और यहां पर 3-1 2 और 1 यानी 2c, तो c आ गया आपका 4। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा 3x-1 x-1 x-2 x-3 और dx क्या बन गया, a अपॉन a कितना है 1, तो 1 upon x-1, b कितना है -5 upon x-2, c कितना है 4 upon x-3 और इसका इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, सभी को आता है, log x-1 -5 log mod x-2 plus 4 log mod x-3 और plus c, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप हमारी खत्म हुई जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन, अगर डिनोमिनेटर में लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और करेंगे, ठीक है, ओके बाय।